आज के समय में देखा है हर किसी के घर में भोजन बनता है, लेकिन घर में साफ सफाई नहीं होने के कारण बहुत बार भोजन में बाल या कंकड़ निकल जाता है, जिससे दोष लगता है। आइए पंडित जी से जानते हैं वो दोष। हमारे जीवन का सर्व श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण अंग भोजन है। भोजन के बिना हमारी जीवन की गाड़ी चलना ही एक प्रकार से मुश्किल है। इसलिए भोजन करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले कि यदि आप भोजन कर रहे हैं और उसमें से यदि बाल निकलता है तो इसको जान लेना चाहिए कि हमारे घर परिवार में कोई दुविधा आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, या जो भोजन व्यक्ति कर रहा है वह बीमार होने वाला है। यदि एक आध बार बाल निकलता है तो ठीक है, लेकिन ये घटना यदि बार बार हो रही है तो इसको जान लेना चाहिए कि हमारे घर पर कोई ना कोई समस्या मुसीबत आने वाली है। दूसरी बात, यदि खाते वक्त आपके पास में बार बार फूटे पात्र यानी कटोरी फूटी हुई है, थाली चटकी हुई है, ऐसी थाली में यदि आपके पास में भोजन आता है तो ये जान लेना चाहिए कि अब दरिद्रता का वास हमारे घर में होने वाला है। इसलिए यह इससे बचने के लिए अच्छे बर्तनों का हमारे घर में होना अति आवश्यक है। यदि हमारे घर में पुराने बर्तन, फटे पुराने बर्तन हैं जो चटके हुए हैं, फूटे हुए हैं, तो उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। और एक बात यह है कि यदि हम भोजन कर रहे हैं और हमारे हाथ से भोजन करते करते भोजन का निवाला कौर बार बार हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो यह जानना चाहिए कि हमारे यहाँ पर पितृदोष बढ़ रहा है और हमारे घर पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हमें होने वाला है।